नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गोवा कॉर्नर में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अलग सी चहक, अलग सी महक हो जाती है। यानी कि हमारा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता है, यहाँ के बीचेस और यहाँ के नाइट क्लब्स। लेकिन गोवा की एक अनोखी एक पहचान है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? गोवा एक देवभूमि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हर एक जगह, हर एक नगर पर आपको दो तीन मंदिर दिखाई देंगे। जो आप सोशल मीडिया पर गोवा देखते हैं वो सिर्फ 5% है, यानी कि आपको कोस्टल एरिया के बारे में ही समझाया जाता है। लेकिन असल में गोवा एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों चलो, आज आपको लेकर चलते हैं ऐसी एक जगह जो कि पुराणों में, यानी कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखी गई है। चलो जाते हैं एक ऐसे मंदिर में। आज हम आए हैं गोवा के एक सुंदर मंदिर में, जो है मंगेशी। मंगेशी का जो मंदिर है वो भगवान शिव के प्रति समर्पित है। इस मंदिर को एक पौराणिक कथा में भी शामिल किया गया है, यानी कि इसका जिक्र पौराणों में भी किया गया है। ये मंदिर गोवा के वैभवशाली इतिहास का साक्षीदार है। इस मंदिर का जिक्र गोवा के धनी मंदिरों में किया जाता है। ये मंदिर जो है 450 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1740 में किया गया था और ये जो मंदिर है वो पेशवाओं ने बनवाया गया था। इन शिव स्वरूपी मंगेश का दर्शन करने हजारों सैलानी दिन में अपना माथा टेकने यहां पर आते हैं। ये मंदिर गौड़ सरस्वत ब्राह्मण समाज का कुल देवत भी कहलाता है। हमारी जो गायन कोकिला यानी कि लता मंगेशकर का भी ये कुल देवत है। 1510 के बाद जब पुर्तगालियों ने गोवा पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया, तब उन्होंने धर्मांतर के बहुत ही प्रयास किए, यानी कि हिंदुओं को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में बदलने के बहुत प्रयास किए। तब उन्होंने सभी हिंदुओं की मूर्तियों को, उनके मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया। तभी यहाँ के जो लोकल्स थे, यानी कि यहाँ के जो गोवा के लोग थे, उन्होंने अपने भगवान को छुप छुपा कर उनकी पूजा करने लगे। ये जो शिव स्वरूपी मंगेश है, उनका मूल स्थान गोवा के कुट्टाली में है। यानी कि जब धर्मांतर का जो पुर्तगालियों ने चलाया था, उसी वक्त यहाँ के जो कुट्टाली के लोग थे, उन्होंने ये जो मूर्ति है वो स्थानांतरित करके शिवलिंग को मंगेशी स्थापित किया। इस कुट्टाली गांव को पुराणों में कुशास्थली ऐसा कहा गया है। इसके पीछे एक दंत कथा भी है। पौराण में भगवान मंगेश का चिक्र मंगेरिश ऐसा कहा गया है। दोस्तों ये मंदिर इतना सुंदर है कि आप जब भी गोवा में आए तो इस मंदिर को जरूर विजिट दें। इसकी सुंदरता इतनी बहुत अच्छी है कि आप यहाँ पर आके मोहित हो जाएंगे श्री मंगेश के दर्शन पाके। दोस्तों इस मंदिर के पौराणिक कथा के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।